गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस सेकंड क्लास। आज आप हिंदी में पढ़ेंगे अपना न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, अकबर और बीरबल। बच्चों, पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अकबर एक बहुत प्रसिद्ध मुगल बादशाह थे और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, मशहूर थे। तो और हमारी हिस्ट्री में या बहुत सारी किताबों में, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी बहुत सारे किस्से हैं, है ना। तो उन एक किस्सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनका एक किस्सा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार अकबर और बीरबल शिकार करने के लिए निकले, यानी अकबर और बीरबल साथ में जंगल की तरफ शिकार करने के लिए गए। शिकार की तलाश में घूमते घूमते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए, यानी उन्हें अपने शिकार नहीं मिल रहा था। वो जंगल में अपने शिकार को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक निकल गए। दिन भर भटकने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला, यानी पूरा दिन निकल गया, वो दिन भर अपने शिकार को ढूंढते रहे लेकिन फिर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। शिकार की तलाश में इधर उधर भटक कर दोनों बहुत थक गए थे, दोनों बहुत ज़्यादा थक गए, इसलिए वे एक झरने के पास रुक गए। उन्हें जब रास्ते में झरना दिखाई दिया तो वहाँ पर रुक गए। उन्होंने झरने के साफ पानी में अपने हाथ पैर और मुंह धोए, ठीक है। तो झरने का पानी बहुत ज़्यादा साफ था और दोनों ही ने अपने हाथ पैर और मुँह धो लिए। घोड़ों को पानी पिलाया और फिर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए, ठीक है। अपने हाथ पैर मुँह धोकर घोड़ों को भी पानी पिलाया उन्होंने अपने, और फिर आराम करने के लिए पेड़ की छाया में लेट गए। शाम हो गई थी, पूरा दिन इसी तरह निकल गया और शाम हो गई। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा, इसलिए दोनों घर की ओर लौटने की तैयारी करने लगे। जब अंधेरा होने लगा तो वो घर की तरफ बढ़ गए, वापस आने के लिए पड़ गए। तभी अकबर ने बीरबल से कहा, क्या कहा? बीरबल, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तुम्हारे पास खाने को हो तो दो। यानी जब अकबर को भूख लगी तो उसने बीरबल से कुछ खाने के लिए मांगा। बीरबल अपने घोड़े की जीन में से चने की पोटली ले आया। घोड़े की जीन यानी घोड़े की पीठ पर जो रखी हुई है ना गद्दी, उस गद्दी में से चने की पोटली वो ले आया। चने की पोटली घोड़ों के खाने के लिए थी, वो ले आया। उसने चने की पोटली अकबर को दे दी। अकबर को बहुत भूख लगी थी इसलिए वह सब चने खा गया, यानी वो जितने भी घोड़े के चने थे कुछ नहीं बचा उसमें थे, सारे चने वो अकबर खा गया। चने खाने के बाद दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे, ठीक है। जब चने ख़त्म हुए, खा चुके थे, तो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ गए और घोड़ों पर चढ़ने लगे। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब आज सिर्फ आपके लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।